3 साल के इंतजार के बाद साउथ सुपरस्टार रामचरण की मच अवेटेड फिल्म गेम चेंजर का टीजर शनिवार को लखनऊ के एक स्पेशल इवेंट में रिलीज हो गया है। फिल्म को डायरेक्टर एस शंकर और दिल राजू ने प्रोड्यूस किया है। ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर है जिसमें सुपरस्टार रामचरण गुंडों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। 1 मिनट 31 सेकंड के टीजर में हम एक लड़के की जर्नी को देखते हैं जो UPSC की परीक्षा की तैयारी करता है, वहीं अगले ही पल सरकारी नौकरी करते हुए वो एक्शन करता हुआ भी नजर आता है। टीजर में कियारा आडवाणी की भी झलक देखने को मिली है, हालांकि उनके कैरेक्टर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। इससे पहले रामचरण और कियारा को लखनऊ एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, जिसकी तस्वीरें वायरल होती हुई नजर आई थी। वहीं उन्हें शहर में नंगे पैर इवेंट अटेंड करते हुए भी देखा गया था, जबकि टीजर से पहले मेकर्स ने फिल्म के गानों को भी शेयर किया है। ये पहली बार नहीं है कि कियारा ने रामचरण के साथ कोई फिल्म की हो, वो इससे पहले भी उनके साथ काम कर चुकी हैं। साल 2019 में आई एक फिल्म विनाया विधेय रामा में भी दोनों ने साथ में अभिनय किया। अभी ये दोनों गेम चेंजर में दूसरी बार साथ काम कर रहे हैं। फिल्म में कियारा रामचरण के साथ रोमांस करती हुई नजर आएंगी। वैसे कियारा एक कन्नड़ फिल्म में भी अगले साल नजर आएंगी। 2021 में रामचरण और एस शंकर के कोलैब की खबरें आई थी, जिसके बाद मार्च 2023 में मेकर्स ने ऑफिशियल गेम चेंजर की अनाउंसमेंट की थी। कहा जा रहा है कि फिल्म का बजट 200 करोड़ का है। वहीं 10 जनवरी 2025 को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है, जो कि एक IAS ऑफिसर की कहानी है जो निष्पक्ष चुनावों की वकालत करके भ्रष्ट राजनेताओं से लड़ने का प्रयास करता नजर आएगा। वैसे आपको गेम चेंजर का टीजर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।